अलवर में लॉकडाउन में निर्धारित समय के बाद भी शराब बेचने की सूचना पर प्रशासन की ओर से डिकॉय ऑपरेशन चलाया गया। एसडीएम योगेश कुमार डागोर के निर्देशन में दशहरा मैदान के पास एक शराब की दुकान को नियमों के खिलाफ शराब बेचने पर 7 दिन के लिए सीज किया गया। कार्रवाई को लेकर एसडीएम योगेश कुमार ने बताया कि सरकार ने सुबह 11 बजे तक शराब बेचने का समय निर्धारित किया हुआ है। नियमों के खिलाफ बिक्री करने पर प्रशासन ने डिकॉय ऑपरेशन कर ये कार्रवाई की है। राजस्थान में भी कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, इसके मद्देनज़र राजस्थान सरकार ने 3 मई को और 10 मई को दो अलग अलग गाइडलाइन जारी की थी। साथ ही कमिश्नर आबकारी ने भी निर्देश जारी किए थे कि शराब की दुकानें निर्धारित समय 11 बजे तक खुलेंगी। हमें सूचना मिल रही थी कि कुछ शहर की कुछ दुकानें निर्धारित समय के पश्चात भी चोरी छुपे बैकडोर से शराब का बेचान कर रही हैं। हमने रेकी कराई, एक डमी ग्राहक बना करके आज यहाँ दशहरा मैदान में अशोक कुमार गुप्ता लाइसेंसी की दुकान पर भेजा। हमारे डमी ग्राहक को पीछे के गेट से शराब सप्लाई की गई, हमने खरीदी। तत्पश्चात हमने जेईटी के रूम में हमारे थानाधिकारी रायजी शिवाजी पाल, तहसीलदार कमल पचौरी जी और कमिश्नर और हम सब ने जेईटी के रूम में कार्रवाई की। इस दुकान को आगामी 7 दिनों के लिए सीज़ किया है।